फायदा। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी महाराष्ट्र में सरकार बनने पर दी बधाई, कहा आरजेडी और शिवसेना का कल्चर एक जैसा, दोनों करते हैं गुंडई। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर अमित शाह पर बोला हमला, कहा कल तक आतंकियों के मददगार बोलते थे, जिन्हें सत्ता के लिए आ गए उन्हीं के साथ। बेटा में डिवाइडर से टकराकर पलटी अनियंत्रित कार, कार में लगी आग, आग में झुलसने से दो की मौत। और वैशाली में शादी का वीडियो बना रहे कैमरामैन की हर्ष फायरिंग के में मौत, तो बेगूसराय में बारात देखने आया युवक घायल। नमस्कार, हमर बिहार में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ श्यामा सोहेल। चलिए एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 50 खबरों पर। दिल्ली में जेएनयू के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का तेज प्रताप यादव ने विरोध जताया है। तेज प्रताप ने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों की मांग को माने। पटना में मंत्री संजय झा के आवास पर जदयू विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें विपक्ष के सवालों का जवाब देने और जनहित मुद्दों पर चर्चा हुई। सोनपुर मेले में बांस से बनी मुख्यमंत्री की तस्वीर खूब बिक रही है, जदयू के कई नेता ने मेले से खरीदी तस्वीर। नालंदा के होटल में युवक की गोली मारकर हत्या मामले में आया नया मोड़, परिजनों ने लगाया विधायक के भाई पर हत्या का आरोप। मोकामा में खनन विभाग ने ओवरलोडेड बालू लदे 13 ट्रकों को किया जब्त, तो ओवरलोडेड वाहनों को देखते हुए की जा रही कार्रवाई। लखीसराय के वंशीपुर स्टेशन के समीप युवक का सिर कटी लाश मिलने से दहशत, पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी। बक्सर में एक महीने से लापता छात्र का नहीं मिल रहा सुराग, नवानगर थाना के सोनबरसा ओपी के केंद्रीय नवोदय विद्यालय का है छात्र, 4 अक्टूबर से है लापता। पूर्णिया के बेलोरी में बस में लगी आग, बारात में फूट रहे पटाखे से लगी आग, लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू, बड़ा हादसा होने से टला। पटना सिटी के रवि प्रकाश के हत्या मामले में नया मोड़, मामा का दवा चुनावी रंजिश को लेकर हुए हैं बेटे रवि की हत्या। बेगूसराय में हर्ष फायरिंग से हुआ युवक घायल, गंभीर हालत में युवकों की आगे अस्पताल में भर्ती, घटना बलिया थाना क्षेत्र के शादीपुर दियारा की है। पटना सिटी में चलते टेम्पो से गिरकर शख्स हुआ घायल, शराब को नशे में से धुत था शख्स, डॉक्टर ने पीएमसीएच में किया रेफर। वैशाली में हर्ष फायरिंग के दौरान वीडियोग्राफर को लगी गोली, मौके पर हुई वीडियोग्राफर की मौत, घटना सदर थाना के चांदवी गांव की है। सोनपुर मेला में खूब बिक रहा राजस्थानी नस्ल का बकरा, जिसकी कीमत 5,000 से 20,000 की है, मेले में खरीदारों की लगी है भीड़। महाराष्ट्र में सरकार बनने को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दिया बयान, बीजेपी एनसीपी के गठबंधन से सरकार बनी है, इतनी जल्दी सरकार बनने की उम्मीद नहीं थी। जेपी सेतु पर अब 12 चक्का तक के ट्रक के परिचालन पर रोक लगा दी गई है, ओवरलोडेड ट्रकों की जांच के लिए लगेगी सीसीटीवी कैमरे। पुल की डिजाइन और सुरक्षा को देखते हुए 12 चक्के से अधिक वाले ट्रक पर रोक लगा दिया गया है, पकड़े जाने पर ट्रक चालकों पर होगी कार्रवाई। सिवान में अपराधियों ने एक बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी है, आपसी रंजिश में हत्या करने की आशंका जताई जा रही है, पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अररिया में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 102 बोतल विदेशी शराब जब्त किया है और शराब बनाने के उपकरण के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय शहर के काली स्थान मंदिर के पास शादी समारोह में लोगों ने चोरी का आरोप लगाकर दो युवक की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की पूछताछ में युवक ने बताया कि वो लड़की से प्रेम करता था, इसलिए शादी के बाद बात सुनकर मंदिर पहुंचा था, लेकिन लोगों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। बेटा में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, पलटने से कार में लगी आग, हादसे में 2 लोगों की हुई मौत।
बता दें कार में 4 लोग सवार थे। हादसे में 2 की मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना पटना के औरंगाबाद मुख्य मार्ग का है। सुपौल में पदस्थापित बीएमपी के हवलदार रामजी हेम्ब्रम तबियत बिगड़ी है, डीएमसीएच में रेफर किए गए हैं। शेखपुरा टाउन थाने के पुलिस वालों ने कंपाउंडर के साथ मारपीट की और क्लिनिक में भी तोड़फोड़ की है। इतना ही नहीं, सीसीटीवी कैमरे को भी पुलिस ने तोड़ दिया, लेकिन एक सीसीटीवी कैमरे में ये कैद हो गया। लखीसराय में क्यूल झाझा रेलखंड के वंशीपुर स्टेशन के पास मिला युवक का सिर कटा शव, पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका। प्याज की बढ़ी हुई कीमतों के आंसू पोंछने का काम अब बिस्कुमान संस्था द्वारा नेफेड के साथ मिलकर किया जा रहा है। और अब खबरें विस्तार से। बेगूसराय से खबर, जहां 2 दिनों से गायब बच्चे का शव बरामद किया गया है। मामले में ग्रामीणों ने थाना के पास प्रदर्शन किया। शामो थाना क्षेत्र के सलहा बिंद टोली की यह घटना है। तो आपको बता दें कि 2 दिनों से बच्चा लापता था और 2 दिनों से गायब बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है। बेगूसराय की मामला है, शामो थाना क्षेत्र के सलहा बिंद टोली की यह घटना है। मामले में ग्रामीण ने थाने के पास प्रदर्शन किया है, हंगामा किया जा रहा है। शामू थाना क्षेत्र के सलहा बिंद टोली की घटना है, जहां पर आक्रोशित ग्रामीणों ने थाना के पास प्रदर्शन किया। 2 दिनों से बच्चा लापता था और उसके बाद 2 दिनों के बाद बच्चे का शव बरामद किया गया है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बेगूसराय में 2 दिनों से गायब बच्चे का शव बरामद हुआ है। 2 दिनों से बच्चा लापता था, गायब था, उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी बच्चे को बरामद करने का, लेकिन 2 दिनों से गायब बच्चे का शव आज बरामद किया गया है, जिसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए हैं। ग्रामीणों ने थाना के पास प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। और बता दें कि इस बच्चे के गायब होने के बाद से लगातार इसको खोजा जा रहा था, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस को इसकी बरामदगी में सफलता नहीं मिली। 2 दिनों के बाद गायब बच्चे का शव बरामद हुआ है और शव मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश जो था वो देखने को मिला और आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने के पास प्रदर्शन किया है, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और बेगूसराय से यह खबर है, जहां पर शामो थाना क्षेत्र के सलहा बिंद टोली के पास ये हादसा हुआ, ये घटना घटी है। और इस टोली के पास ग्रामीण इकट्ठा होकर लगातार प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो बेगूसराय से खबर, जहां 2 दिनों से गायब बच्चे का शव बरामद किया गया है, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं और ग्रामीणों ने शामू थाना क्षेत्र के सलहा बिंद टोली के पास पुलिस प्रशासन के का घेराव किया है। और बता दें कि लगातार ग्रामीण नारेबाजी कर रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, थाना के पास प्रदर्शन किया जा रहा है। और बेगूसराय से खबर है, तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बेगूसराय में 2 दिनों से बच्चा गायब था और बच्चे की लगातार छानबीन की जा रही थी, बरामदगी की कोशिश की जा रही थी। और हमारे सहयोगी सौरभ बेगूसराय से जुड़ चुके हैं। सौरभ, 2 दिनों से बच्चा गायब था और आज उसका शव मिला है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? शामो थाना क्षेत्र के सलहा बिंद गांव की ये घटना है, जहां पे 2 दिन पूर्व एक छात्र अचानक खेलते समय लापता हो गया था। परिजनों ने इसकी सूचना शामो थाना पुलिस को भी दी थी। पुलिस और परिजन लगातार बच्चे की खोजबीन कर रहे थे। इस बीच सुबह बच्चे का शव गांव के बाहर ही बरामद किया गया है। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की हत्या करने के बाद शव को बदमाशों ने मुंह फेंक दिया है, जिसके बाद आक्रोशित लोग शव के साथ थाना के सामने सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जो हत्या में शामिल लोग हैं उसे अविलंब गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रही है और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास जारी है। जी जी, तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और लोगों को समझाने बुझाने का काम किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए सौरभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से मुलाकात का दिन है। आज तीन लोग लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर सकते हैं, बेलहर विधायक रामदेव यादव और पूर्व विधायक टूना जी पांडे लालू से मिलने रिम्स पहुंचे हैं और लालू से मुलाकात कर रहे हैं। रांची रिम्स के पेइंग वार्ड में लालू प्रसाद भर्ती हैं और बता दें कि हर शनिवार को तीन लोगों को इजाजत दी जाती है जो लालू प्रसाद यादव से मिल सकते हैं। और आज बेलहर विधायक रामदेव यादव और पूर्व विधायक टूना जी पांडे लालू यादव से मिलने पहुंचे हैं, जिनकी मुलाकात लालू यादव से हो रही है और तीसरे मुलाकाती का नाम अब तक सामने नहीं आया है। कौन से तीसरे मुलाकाती होंगे जो आज लालू यादव से मिलेंगे, तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई चर्चाएं भी इस मुलाकात में होती है और हर शनिवार को तीन मुलाकाती को इजाजत दी जाती है कि वो लालू प्रसाद यादव से मिल सके। लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता हैं और रांची के रिम्स में भर्ती हैं। रांची के रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। आए हैं और ऐसे भी कटसी कॉल में चलो हमारे चुके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो, और पहली बार मैंने ये उपचुनाव में जीता हूँ, इसलिए उनका सानिध्य मुझे प्राप्त था और मैं अभी उनके स्वास्थ्य की जानकारी के लिए अभी आया हूँ। और क्या खबर, तो झारखंड में हम लोग स्टार प्रचारक हैं पार्टी की ओर से, इसके बाद हम लोग झारखंड के चुनाव में यहाँ जाएंगे विभिन्न जगह में जहाँ हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन के साथी हैं उसमें हम लोग जाएंगे। और हमारे सहयोगी संदीप इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं रांची के रिम्स से। संदीप, आज रांची में रिम्स में तीन मुलाकातों को इजाजत दी जाती है लालू से मिलने की और इसी कड़ी में बेलहर विधायक रामदेव यादव और पूर्व विधायक टूना जी पांडे लालू यादव से मिलने पहुंचे हैं, और तीसरे मुलाकाती कौन होंगे जो लालू यादव से मिलेंगे और इन दोनों ने मुलाकात जो किया उसका क्या मायने निकाला जाए, किस तरीके की मुलाकात ये थी? जी, लालू प्रसाद से यादव से आज मुलाकाती का दिन होता है और तीन लोग लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं। हालांकि अभी तक की यदि बात करें तो दो लोग लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए गए हैं। अभी उपचुनाव में बेलहर से जो विधायक बने हैं रामदेव यादव, वे लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं यदि सिवान के जो MLC की बात करें, जो टुन्ना जी पांडे हैं BJP से MLC हैं, उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात किया है और मुलाकात के बाद जो टुन्ना जी पांडे हैं वे निकल चुके हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि पारिवारिक रिश्ता है लालू जी के साथ में, ही वजह था कि आज लालू प्रसाद यादव से वे मुलाकात करने आए थे। और जिस तरह से यदि बिहार की विधानसभा चुनाव की बात करें तो अगले 2020 में बिहार में भी विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में जो सिवान के BJP से MLC है उनका लालू यादव से मुलाकात करना कहीं ना कहीं एक दूसरी ओर भी संकेत जरूर देता है। और टुन्ना जी पांडे की बात करें जो BJP के MLC अभी हैं सिवान से, वे लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करके वापिस चल गए हैं। हालांकि उन्होंने राजनीतिक तौर पे इस मुलाकात को नहीं बतलाया, पर उनका कहना था कि जो उनके पारिवारिक रिश्ता है और जो उनसे जो संबंध है वही वजह थी कि आज उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। जी बिल्कुल। और संदीप, जिस तरीके से अगर आज लालू यादव के स्वास्थ्य की बात करें तो क्या डॉक्टरों से बात हुई, किस तरीके का स्वास्थ्य में उनका इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है या नहीं? जी, यदि लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य की बात करें तो जो पहले की अपेक्षा अब जो उनके जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता था वह फिलहाल एक महीना से मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया जा रहा है। जो उनके डॉक्टर हैं DK झा, उनका साफ तौर पे कहना है कहीं ना कहीं उनके ऊपर बंदिश लगाई गई है, इसी वजह से वे मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि पिछले एक महीना से लालू प्रसाद यादव का जो बुलेटिन जारी होता था वह जारी नहीं हो रहा है। हालांकि जो उनसे मुलाकात करके लौट रहे हैं उनका कहना है कि बहुत बेहतर लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य नहीं है, पर पहले की तुलना में उनका स्वास्थ्य स्टेबल है। बिल्कुल, तो पहले की तुलना में स्वास्थ्य स्टेबल माना जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए संदीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। Ha ha ha!
अरे लड़कियों सुत जाओ, बिहाने उठना है जल्दी खेत जाने के लिए। अरे दीदी चल के लो उदित, जब बिहाने सूरज उगने के पहले खेत जाना पड़ता था। वो देखो शौचालय, ये कब हुआ भौजी? 2 साल पहले। और वो देखो उज्ज्वला, पूरा घर चमक रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था। राज कहाँ छुपा रखा है भौजी? मुट्ठी में। दिखाओ दिखाओ। ओहो हो हो, तो भाजपा दोबारा? कसम उज्ज्वला की दीदी। झारखंड पुकारा भाजपा दोबारा, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ग्रोमेट एडी विटामिन बेबी ऑयल बच्चों की हड्डियां और मांसपेशियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, नकालों से सावधान रहें। ग्रोमेट देखकर खरीद। किताबों से लेकर तकनीक तक, स्किल्स से लेकर वैल्यूज तक, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन से मिल रही है युवाओं के सुनहरे सपनों को उड़ान। एमिटी यूनिवर्सिटी पटना, द कैंपस फॉर एक्सीलेंस। आ रही है कांग्रेस, अहंकारी सरकार का टूटेगा घमंड। कांग्रेस ने ली है सौगंध, बनाएंगे बुलंद झारखंड। कांग्रेस को वोट दें। आ रही है कांग्रेस, किसानों की कर्ज माफी का हो प्रबंध। कांग्रेस ने ली है सौगंध, बनाएंगे बुलंद झारखंड। कांग्रेस को वोट दें। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना? आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन। तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलिशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स। न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सिल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। आ रही है कांग्रेस, युवाओं के लिए रोजगार का प्रबंध। कांग्रेस ने ली है सौगंध, बनाएंगे बुलंद झारखंड। कांग्रेस को वोट दें। को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी एनसीपी के गठबंधन से सरकार बनी है, काफी खुशी की बात है, लेकिन इतनी जल्दी सरकार बनेगी इसकी उम्मीद नहीं थी। साथ ही उन्होंने कहा कि अमित शाह से सरकार बनाने पर बात हुई थी। केंद्र सरकार में एनसीपी के 2 मंत्री बन सकते हैं, वहीं शरद पवार के राजनीतिक अनुभव को हम सबको फायदा होगा। बनेगी, लेकिन अचानक बनेगी मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि यहाँ मतलब इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का चल रहा था, और शायद एनसीपी भी राहत देख रही होगी कि कांग्रेस पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी तो सरकार नहीं बनती है, तो फिर एनसीपी के लिए मार्ग खुला हो सकता था। लेकिन जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, महाराष्ट्र की जनता को न्याय देने का निर्णय हो चुका है। अजित पवार जी ने डिप्टी सीएम की शपथ ले ली है। अभी शरद पवार जी, प्रफुल्ल पटेल जी या सुप्रिया सुले जी केंद्र में मंत्री बनेंगे, 2 मंत्री उनके बन सकते हैं, और शरद पवार के अनुभव का भी उपयोग मोदी सरकार को हो सकता है। और इधर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी महाराष्ट्र में बीजेपी एनसीपी के सरकार बनने को लेकर बधाई दी है। और उन्होंने कहा है कि राजद और शिवसेना का कल्चर एक ही जैसा है, वे लोग गुंडई करते हैं, और आज बाला साहब ठाकरे की आत्मा प्रसन्न होगी। गैर कांग्रेस की सरकार बनने से महाराष्ट्र में सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। बहुत खुशी है, फिर से एक बार अमित शाह ने दिखला दिया राजनीति के असली चाणक्य जो अमित शाह हैं,
पाँच साल तक सरकार चलेगी, प्रचंड बहुमत वाली सरकार चलेगी। ये बिहार बीजेपी की ओर से मैं देवेंद्र फडणवीस जी और श्री अजित पवार जी को बधाई देता हूँ और पाँच साल तक सरकार चलाएं इसकी मैं शुभकामना करता हूँ। राजद का बिहार में है, वही संस्कृति शिवसेना की महाराष्ट्र में है। जितने रूफियन लुमपेन गुंडा तत्व, जिस प्रकार के जो तत्व जैसे बिहार में आरजेडी के भरे हुए हैं, वही हाल शिवसेना का है। और पटना से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ सरकार बनाने पर अमित शाह पर हमला बोला और कहा कि कल तक आपको एनसीपी लगती थी आतंकियों की मददगार, आज महाराष्ट्र में सत्ता के लिए हो गए एक साथ। आज का दिन लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। किसी दल को डरा समझाकर फिर एक राज्य में सरकार बनाया, वो दिन दूर नहीं जब बिहार सहित अन्य प्रदेशों में कुछ ऐसा ही हो। खबरें अभी और भी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दोबारा भैया थोड़ा हमको बाजार तक छोड़ दीजिएगा। हाँ, कहे नहीं, बैठिए। सुने थे शाम में झारखंड सेफ नहीं है, लगता है काफी साल बाद आ रहे हैं आप। चल गया उस सब दिन जब सांझ को लोग निकल नहीं पाते थे, जब हर कहीं नक्सली हमला हुआ करता था, रोज बंदिये हुआ करता था। अच्छा, हाँ। तो अब सेफ कैसे हो गया? हजारों दरोगा पुलिस बढ़ा दिए गए हैं, बम निरोधक दस्ता भी बढ़ा दिए गए हैं, दिन रात एक किए हैं, तब जाके आज नक्सली हमला लगभग खत्म सा हो गया है, समझे? अरे पर कमाल हुआ कैसे? दोबारा यही कमाल हुआ है भैया, कमल से अब भाजपा दोबारा। बिरसा मुंडा का कसम। झारखंड पुकारा, भाजपा दोबारा। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। देखो भाजपा दोबारा। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलिशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स, न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सिल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। आ रही है कांग्रेस, हर आदिवासी की आवाज हो बुलंद। कांग्रेस ने ली है सौगंध, बनाएंगे बुलंद झारखंड। कांग्रेस को वोट दें। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलिशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स, न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। Sil City, a gift to Ranchi. आ रही है कांग्रेस, किसानों की कर्ज माफी का हो प्रबंध। कांग्रेस ने ली है सौगंध, बनाएंगे बुलंद झारखंड। कांग्रेस को वोट दें। योग से तन स्वस्थ हो, योग पर ना धन खर्च हो, आसनों को आजमा लें, आरोग्य का हाथ थाम लें, आओ करें योग, रहें निरोग। देखिए हर रोज कशिश की कसरत, योग गुरु विद्याभूषण के साथ सुबह 8:30 बजे सिर्फ कशिश न्यूज पर। बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल अब सिर्फ एक क्लिक पर, ऐप डाउनलोड करें। बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल अब सिर्फ एक क्लिक पर, ऐप डाउनलोड करें। झारखंड फिर विकास का डबल इंजन लगाएगा। ना कांग्रेस का खाता खुलना चाहिए, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा का खाता। इस बार भी डबल इंजन या जनता की होगी अलग ट्रैक। घर घर रघुवर का चलेगा जादू या हेमंत के वनवास का होगा अंत। 5 करोड़ का पार्टी था, आज 1000 करोड़ का पार्टी हो।
कांग्रेस की कसक होगी कम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नालंदा में होटल में युवक की गोली मारकर हत्या मामले में एक नया मोड़ आया है। घटना नगर नौसा थाना क्षेत्र के तीना गांव की है। घटना का कारण वेतन का विवाद बताया जा रहा है। दरअसल मृतक शैलेंद्र कुमार उर्फ जट्टा वर्तमान हरनौत विधायक हरि नारायण सिंह के भाई सुरेश प्रसाद के यहाँ ड्राइवर के पद पर तैनात था और वो पिछले कई दिनों से लगातार वेतन में वृद्धि की मांग कर रहा था। परिजनों ने घटना के पीछे सुरेश प्रसाद का हाथ बताया है। घटना के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर आगजनी की गई। मामले में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वैशाली में हर्ष फायरिंग के दौरान वीडियोग्राफर को गोली लग गई है, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना सदर थाना के चांदी गांव की है। फायरिंग के दौरान जयमाला का रश्म चल रहा था। मृतक का नाम शत्रुघ्न साह है, जो करताहा थाना के कंचन गांव का रहने वाला था। घटना के बाद खुशी का माहौल मातम में बदल गया, लोगों में अफरा तफरी मच गया। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने चांदी गांव के पास हाजीपुर लालगंज सड़क को जाम कर आरोपी की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की। समस्तीपुर के मुसरी घरारी से अपहरित 3 साल की बच्ची का तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 28 अक्टूबर को बच्चा का अपहरण किया गया। लगभग 1 महीने होने के बावजूद भी बच्चे की बरामदगी नहीं होने से परिजन चिंतित हैं। पीड़ित परिवार इकलौते बेटे के सकुशल बरामदगी को लेकर प्रशासन से गुहार लगा रही हैं। वह इस घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत है और ग्रामीण अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दे रहे, चाहे स्कूल ही क्यों ना जाना हो। ग्रामीण पुलिस की कार्यशैली से आक्रोशित हैं, बताया जा रहा है। और इसके साथ फिलहाल इस वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिर विकास का डबल इंजन लगाएगा। कांग्रेस का खाता खुलना चाहिए ना झारखंडी मोर्चा का खाता। इस बार भी डबल इंजन या जनता की होगी अलग ट्रैक। घर घर रघुवर का चलेगा जादू या हेमंत के वनवास का होगा अंत। 5 करोड़ का पार्टी था, आज वो 1000 करोड़ का पार्टी हो। कांग्रेस की कसक होगी कम और बाबूलाल होंगे बम बम। झारखंड के दंगल में देखेंगे दम। देखिए दंगल सिर्फ कशिश पर। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय एमिटी यूनिवर्सिटी पटना, द कैंपस फॉर एक्सीलेंस। बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल, अब सिर्फ एक क्लिक पर ऐप डाउनलोड करें। बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल, अब सिर्फ एक क्लिक पर ऐप डाउनलोड करें। कशिश पर देखिए चुनाव की हर खबर। यहाँ चलते चलते चुनाव में हर सीट पर होगी बड़ी बहस। चुनावी चौसर में चलेगा पासा, दंगल में खुलेगा विधायक जी का बही खाता। चर्चा जोर गरम में नेताजी कहें, होगा शामो शहर सियासतनामा।